ओपियम एडिक्शन का पेशेंट, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। एक पेशेंट ने खुद ने मुझे फोन किया कि मुझे अफीम मतलब ओपियम का एडिक्शन है। ओपियम क्या होता है? पेपेवर सोमनीफेरम नाम का जो एक प्लांट होता है उसके जो सीड्स रहते हैं उससे वो निकालते हैं एक्सट्रैक्ट जिसको बोलते हैं ओपियम। ओपियम के ऊपर कुछ एक्शंस करके उसका निकलता है मॉर्फिन, और मॉर्फिन का एक्सट्रैक्ट निकाल के बनता है हीरोइन। उसको उसमें कोई मिक्सचर भी करते हैं, कोई मिक्सचर करके उसको गर्द भी बोलते हैं, कोई लोग ब्राउन शुगर भी बोलते हैं फिर बाद में। और ये अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा होता है दुनिया में। ये बहुत ही एडिक्टिव ड्रग है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो दर्द नहीं होता, मतलब कोई भी पेनफुल कोई सर्जरी हो गई या बहुत दर्द हो रहा है तो मॉर्फिन के इंजेक्शन पहले रूटीन देते थे, रूटीन दर्द निकल जाता है, ब्रेन का कनेक्शन बॉडी से निकल जाता है, ब्रेन एक अलग लेवल पे चले जाता है, मस्त लगता है एकदम रिलैक्स्ड, दर्द होता ही नहीं है। तो फिर उसका एडिक्शन होता है। तो इसका एडिक्शन जब होता है तब वो ज़्यादा ज़्यादा लेने की इच्छा होती है। लोग एक तो स्मोक करेंगे या खाएंगे या इंजेक्शन लेंगे या चमड़ी के नीचे रखेंगे, अलग अलग फॉर्म में वो मॉर्फिन या पेथिडिन या हीरोइन लेते रहते हैं। इसमें ये लिया नहीं तो उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ, बेचैनी, नाक में से आंखों में से पानी आना, बॉडी में बहुत दर्द होता है क्योंकि अभी वो जो बॉडी का कनेक्शन ब्रेन से टूट गया था और बॉडी को जो था अभी वो दर्द अलग दब गया था, अभी वो पूरा दर्द बाहर निकलता है बॉडी का, बहुत पेनफुल होता है, किसको लैट्रिन लग जाती है किसको लैट्रिन लगती नहीं है और वो सहन नहीं कर सकता आदमी, इसलिए फिर वो जाके गर्द ले लेता है या मॉर्फिन ले लेता है। अब इसका इलाज कैसे करें? इसमें हमारे देश में पंजाब में बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो बॉर्डर को लगे हुए स्टेट्स है वहाँ बहुत ज़्यादा है इंडिया में। और इसका ट्रीटमेंट कैसा है? देखिए, इसका ट्रीटमेंट हम जो देते हैं तो नेलॉर्फिन जो मेडिसिन है उससे उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसको एडमिट करवाते हैं, उसको ओरली मेडिसिन देते हैं। और वो मेडिसिन ऐसे है कि मॉर्फिन नहीं लिया तो उसका जो विड्रॉल इफेक्ट होता है वो विड्रॉल इफेक्ट कम करने के लिए दवाई है, तो वो दवाई देते हैं ताकि विड्रॉल इफेक्ट नहीं होगा मॉर्फिन का, मॉर्फिन लेते नहीं तो। फिर पेन जो होता है दर्द उसके लिए दवाई देते हैं, नींद के लिए दवाई देते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं और उसको 15-20 दिन महीना भर भर्ती करके उसका इलाज करते हैं। और इलाज भर्ती करने को तैयार नहीं होगा इलाज करने को तो फिर ओपीडी बेसिस के ऊपर दवाई देते हैं और वो दवाई लेके फिर वो धीरे 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 दवाई बंद कर देता है, अच्छा हो जाता है। तो काफ़ी अलग अलग नाम से दवाई उपलब्ध है बाजार में। हमारे तरफ जब आता है पेशेंट हम उसको भर्ती करके उसका इलाज करते हैं। वो जो नेलॉर्फिन है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, उसका उसके गवर्नमेंट के बहुत रूल्स रेगुलेशंस हैं और उसका स्टॉक रखना पड़ता है, उसका सब स्टोर रखना पड़ता है, उसका स्टॉक लेके उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, तभी वो पेशेंट को हम दे सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारे को जो काउंसलर्स हैं उनको कांटेक्ट करो, मेरी अपॉइंटमेंट लो, नहीं तो हमारे हॉस्पिटल में अकोला में आ जाओ, हमारे यहाँ आप बिना रिलेटिव भर्ती हो के आपका इलाज कर सकते हैं। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।